अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसर। गाइज, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, वेलकम है आप लोगों को इस चैनल पे। तो गाइज, इनफैक्ट हमने सीरीज़ शुरू की हुई है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनकी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट ईयर के भी, सेकेंड ईयर के भी। तो एक वीडियो फर्स्ट ईयर की होती है, एक सेकेंड ईयर की होती है। तो एग्ज़ाम्स तक जो है ये सारी की सारी वीडियोज़ इंशाल्लाह कम्प्लीट हो जाएंगी, और उसके अलावा आपको बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी गाइडलाइंस मिल जाएंगी। तो गाइज़, ये तभी पॉसिबल है आप लोगों के लिए जब आप सबसे पहले जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करेंगे, ताकि इसके बाद आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उन सबके अलर्ट्स आपको मिलती रहेंगी। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, और ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पर जो है अलर्ट आ जाएगी। तो गाइज, इसके अलावा जो है जो पहले देखते हैं गाइज, आप लाइक भी किया करें वीडियो को, शेयर भी किया करें, कमेंट भी किया करें अच्छे वाला। और इसके अलावा जो है कंजूसी मत किया करें बिल्कुल भी। आप लोग वीडियो देख भी लेते हैं, फ़ायदा भी हो जाता है, फिर भी आप ना शेयर करते हैं ना आप किसी को बताते हैं। तो भाई, कल्ले कल्ले फ़ायदा लेना, किसी और का भी फ़ायदा कर दें, तो इतने कंजूस नहीं बनते होते। तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। तो गाइज़, अब ऐसा है कि हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन एक और बात बता दूं कि एक तो मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं मतलब वीडियो सॉरी आपको नोट्स वगैरह सेंड करूँ, वो मैं भूल भी जाता हूँ। तो अब ऐसा है कि आपको मैं यहाँ नंबर शेयर कर रहा हूँ अपने कंपोज़र का, नोट्स के साथ वही डील करते हैं, मैं नहीं करता। तो आपके डिस्प्ले पे ये आ रहा है, तैयब भाई का नंबर है अली फोटोकॉपी सेंटर का। तो ये जो नंबर है आप नोट कर लें, इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, वहाँ से ले लें और आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर लें उनको, ही विल हेल्प यू आउट। तो गाइज, अब उसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक पेज है, फेसबुक प्रोफाइल है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, सबके मैंने लिंक डाल दिए हैं, वहाँ क्लिक करके आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2 की तरफ फर्स्ट ईयर में। तो गाइज, इसका टाइटल है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। सबसे पहला है जी, हाउ द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैन बी कंसिडरेबली इंक्रीज। तो गाइज, लाहौर बोर्ड 2018 में आया हुआ है, कोई इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ये आंसर आपके डिस्प्ले पे है, आप कर सकते हैं। हाउ द सॉल्यूशंस व्हिच रिएक्ट विद द पेपर आर फिल्टर्ड। जो सॉल्यूशन पेपर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं फिल्टर कैसे करते हैं हम, या तो उनको हम उनके लिए एस्बेस्टॉस मैट यूज करते हैं या क्रूसिबल यूज करते हैं। तो गाइज, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये आपके सामने है, आसान है, ऑलमोस्ट डेफिनेशन के जैसा ही प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ये भी क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन, डेफिनेशन भी कम ही चांस होता है डेफिनेशन पेपर में आ जाए। हाँ, राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक द सॉल्वेंट चूजन फॉर द क्रिस्टलाइजेशन। तो गाइज, ये 2017 ग्रुप 1 में आया हुआ है, आसान क्वेश्चन है। इसकी 6 करेक्टरिस्टिक्स बुक में दी गई हैं, 6 में से एटलीस्ट आपने 4 करनी है। तो ये भी मतलब सिंपल है। उसके बाद नंबर 6 पे है, व्हाट शुड बी डन इफ नन ऑफ द सॉल्वेंट इज फाउंड फॉर क्रिस्टलाइजेशन। कोई एक सॉल्वेंट अगर क्रिस्टलाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। तो गाइज, इसका भी आंसर आपके सामने, हम मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट सॉल्वेंट्स यूज कर लेते हैं। अच्छा, नेम सम सॉल्वेंट्स कॉमनली यूज फॉर क्रिस्टलाइजेशन। तो 2013 ग्रुप 2 में आया हुआ, तो ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो हाउ द इफिशियंसी ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन कैन बी चेक्ड, ये भी सिंपल है, इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट आर द ड्राइंग एजेंट्स यूज इन वैक्यूम डेसिकेटर। गाइज, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सिंपल है, आप इसको कर लें। ये तीन नाम याद करने हैं आपने। हाँ, ये क्वेश्चन, दैट्स मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखें ये कितनी दफ़ा आया हुआ है, हियर इट इज, ये देखें इतनी बार आया है पेपर च। तो यू हैव टू सॉल्व दिस वाला सवाल। कलर कितना फजूल मैंने सिलेक्ट किया हुआ, हाईलाइटर का ग्रीन होता है, इसको ग्रीन करना चाहिए, लाइट ग्रीन ये कलर, वेट। हाँ, तो गाइज, अब ये हाउ ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स इज कैरीड आउट। एक तो इसका ये स्टाइल है पूछा जाने का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा तरीका है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्राइंग द क्रिस्टल्स बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर एंड ओवन। तो ये दूसरा स्टाइल है पूछे जाने का, या तीसरा स्टाइल है, ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स इन अ वैक्यूम डेसिकेटर इज सुपीरियर टू द ड्राइंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ द फिल्टर पेपर इन एन ओवन, व्हाई। तो इन दोनों में से सबसे बेस्ट मेथड जो है वो वैक्यूम डेसिकेटर है, तो क्यों है। तो गाइस, दैट्स द क्वेश्चन, आगे चलते हैं थोड़ा सा। आंसर है इसका क्वाइट सिंपल,
ये आंसर जो है ये भी आपके आपके मोबाइल पे या लैपटॉप जहाँ से भी आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे मौजूद है। तो गाइज इट्स द जवाब ऑफ दिस क्वेश्चन, मेरा मतलब है आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको आपने ज़रा अच्छे तरीके से करना है, ये पेपर में आ जाता होता है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो जी, मैं इसके ऊपर इतनी बड़ी टिक लगा देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो ये आप लोगों ने करना है। तो गाइज हम इसे आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हाउ द क्रिस्टल फॉर्म ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन आर डीकलराइज, ये भी मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, तो आप लोगों को ये भी ज़रा अच्छे तरीके से करना है। तो ये देख लें, ये लाहौर बोर्ड 2022 में आया हुआ है, ग्रुप वन में और ग्रुप टू में। तो 21 में तो शायद पेपर नहीं हुए थे, तो 22 जो है उसमें ये आ गया, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपने ज़रा अच्छे तरीके से करना है, दैट्स द स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट से आएगा। तो हाउ द क्रिस्टल फॉर्म ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन आर डीकलराइज, या फिर वो पूछ लेता है हाउ कलर ऑफ द क्रिस्टल्स इज रिमूव्ड, तो वो देख लें, दोनों स्टाइल हैं इसके पूछे जाने के, तो आंसर विल बी द सेम। इसमें जो वर्ड एनिमल चारकोल होता है ये आपने ज़रूर लिखना है, और उसके अलावा एडजॉर्ब का वर्ड ज़रूर लिखना है, इसलिए मैंने इनको कैपिटल में लिखा हुआ है, तो ताकि आपको ये मतलब भूल लेना। गाइस इससे आगे चलते हैं, डिफाइन सब्लिमेशन। अब देखें ज़रा डिफाइन सब्लिमेशन वाला क्वेश्चन, देखें कितनी दफ़ा आया हुआ है, तो दिस इज़ कितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये भी आपने ज़रा अच्छे तरीके से इसको कर लेना है, ये बाँच लें ज़रा, मेरा मतलब है देख लें ज़रा, यहाँ पर देखें ये बचें। अब मेरी आज से पिंक इंग्लिश शुरू हो गई हुई है, तो आप इस इंग्लिश को भी इंजॉय करेंगे, तो इसको ज़रा बाँचें, ये इतना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इज इम्पोर्टेंट है इसका मतलब है, तो ये पेपर में आ सकता है। देखिए कितनी दफ़ा रिपीट हुआ हुआ है, तो इसकी जो मेन स्टेटमेंट है सीधी सीधी डेफिनेशन है जी, डिफाइन सब्लिमेशन गिविंग सम एग्जाम्पल्स एंड देन क्लास, ये इसकी डेफिनेशन है, मेरा मतलब है डेफिनेशन है। और इसके बाद जो है ना, यहाँ पर मैंने एक और चीज़ लिखी है जो यू हैव टू नो डाउन मस्ट, वो है कि जनाब आ देखो, ये बेंजोइक एसिड जो होता है ना, इसको हम सब्लिमेशन से प्योरीफाई करते हैं, लेकिन इसको हम सब्लिमेशन के साथ साथ क्रिस्टलाइजेशन से भी प्योरीफाई कर सकते हैं। बाकी इसकी जो फोर एग्जाम्पल्स गिवन हैं, चारों की चारों एग्जाम्पल्स आपने जरूर लिखनी है, यू मस्ट राइट डाउन ये वाली चार एग्जाम्पल्स, ये वाली चार एग्जाम्पल्स एलोपाइन, ठीक है। अच्छा जी, ये चारों एग्जाम्पल्स आपने फटाफट लिख देनी है, किसी ने पूछे दसियां तो बगैर। अच्छा गाइस, अब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो हियर इज अनदर क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन जो है काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़रा आपने इसको भी अच्छी तरह से चेते कर लेना, मेरा मतलब मेमोराइज कर लेना है। तो ओ यस, थैंक यू जी, मेरी चाय आ गई, अब मैं साथ साथ में चाय पीऊँगा, और चाय पीऊँगा तो मुझे मज़ा आएगा, आप लोग भी बना के पी लो यार, चाय इज़ सो मच मज़ेदार चाय। तो अब यहाँ देखें ये कितनी दफ़ा आया हुआ बोर्ड में, तो दिस इज़ बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने इसको ध्यान से चेते कर लेना अच्छे तरीके से। और क्वेश्चन है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और डिफाइन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, मैंने ऐसे स्टाइल से लिखा है कि डेफिनेशन भी यही और मतलब इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है वो भी यही, हियर इट इज। थोड़ा सा आगे चलते हैं जी, चलते ही जाना रे। तो हाँ, इसकी एग्जांपल के बगैर तो जाहिर बात है ये बात मुकम्मल नहीं होती, तो हेयर इज़ द एग्जांपल, इसी तरह से आपने हेडिंग देनी है, और एग्जांपल में आपने ये सारी डी के ऊपर टेल लिख देनी, मेरा मतलब डिटेल लिख देनी है एलोपाइन। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, व्हाट इज मेंट बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, हाय 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 हाय, इड्डा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए वाला भी, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा वाचें, यहाँ देखें कितनी दफ़ा ये पेपर में आया हुआ, आपने अच्छे तरीके से करना है। इन्हीं चंद क्वेश्चंस में से आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, बड़े अच्छे तरीके से करना है, जो मैं जिन पे स्ट्रेस दे रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को ज़रा आपने अच्छे तरीके से करना है। दिस इज द फुल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, तो आपने इसमें से ये एग्जाम्पल इसकी जो है ज़रूर करनी है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टीशन लॉ की, तो एग्जाम्पल के बगैर तो जहरी बात है फिल्म मुकम्मल नहीं होती, तो अच्छे तरीके से आपने इसको करना है। थोड़ा सा इसे आगे चलते हैं, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी, मेरा मतलब है क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, इसकी डेफिनेशन तो कोई खास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, बेसिक प्रिंसिपल भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जरा वाच लें कि ये बोर्ड में कितनी दफा आया हुआ है, ये देखिए किलो के हिसाब से आया हुआ है, लाहौर बोर्ड 2011 है, 13 है, 15 ग्रुप टू में, 2017 ग्रुप टू में, तो आगे भी ये आया होगा, मैं शायद लिखना भूल गया हूँ, तो ज़रा आप इसको देख लें, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अच्छा गाइस ये देखिए, इस तरीके से आपने इनके डिफरेंसेस क्लियर करने हैं, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ना, आपने इस तरह से जैसे मैंने लिखे हैं आपने इसी तरह से उनको क्लैरिफाई करना है। इस तरह से आपने दो कॉलम बनाने, एक तरफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी लिखेंगे और अल्लाह के हुक्म से दूसरी तरफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी लिखेंगे, और इन दोनों की डिटेल आपने अच्छे तरीके से लिखेंगे। स्पेशली बुक में एग्जाम्पल्स नहीं दी गई तो जो दोनों तरफ मैंने एग्जाम्पल्स मैंशन की हैं वो एग्जाम्पल्स आपने ज़रूर करनी है, और ये एग्जाम्पल्स एज ए मल्टीपल चॉइस भी आ जाती होती हैं। तो गाइस चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे, तो इससे आगे जो है क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो गाइस यूजेस जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यूजेस को भी आपने ज़रा अच्छे तरीके से करना, और देख सकते हैं कितनी दफ़ा ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। लेट मी हैव अ सिप ऑफ मेरी चाह, तो अब मैं चाह पीऊँगा। वाओ गाइस बहुत मज़ा आया सच्ची, आपका दिल कर रहा है तो आप भी चाय बना के पी सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो सारे दिन में इफ्तारी के बाद जो है चाय मिलती है, तो इस टाइम की चाय जो है किसी नेमत से कम नहीं होती। अच्छा गाइस इसका आंसर ये आपके सामने है, मैंने ये जो आंसर्स लिखे हुए हैं मैंने बड़े ऑथेंटिक आंसर लिखे हुए हैं, आपने इनको बस इधर से ही कर लेना। बुक में थोड़े से घबराए घबराए क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आंसर भी घबराए घबराए हैं, तो आपने इधर से कर लेने हैं, यहाँ आपके लिए आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम वेज इन विच पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी कर रहे हो, दफा करें, फजूल सा क्वेश्चन है। राइट डाउन मेजर स्टेप्स फॉर कंप्लीट क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, एक दफ़ा ही आया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये बोर्ड के रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड में एक एक दफ़ा आए हुए, तो मैंने वो भी लिख दिया, नोट्स में नहीं थे, तो ये देख लें, दिस इज क्वाइट आसान क्वेश्चन। इससे आगे चलते हैं जी, वाई देर इज़ ए नीड टू क्रिस्टल। हाँ गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, इसको आपने ज़रा अच्छे तरीके से चेते कर लेना। ये देख लें ये इसका आंसर आपके डिस्प्ले पे आ गया। अच्छा सर डिफरेंशियल बिटवीन स्टेशनरी मोबाइल फेस, ये भी 2005 में आया, बड़ा पुराना सवाल, दफ़ा करें, लेकिन आ सकता है गाइस, ये आ सकता है, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, और बुक में इसका क्वेश्चन आंसर भी ज़रा घुमा फिरा के लिखा हुआ, तो इधर से ही कर लें। मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन क्रिस्टलाइजेशन, तो ये भी दो दफ़ा आया हुआ पेपर में, तो आप इसको अच्छी तरह कर लें, ये देख लें, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रिस्टलाइजेशन के सारे स्टेप आपने तरतीब से लिख देने। लेट मी हैव अ सिप ऑफ मेरी चाह, मज़ा आ गया। अच्छा मेरी सिप की आवाज़ तो आई होगी आपको। अच्छा जी गाइस ये देखें, ये क्वेश्चन है जी, टेक्निक्स यूज टू प्योरीफाई द सब्सटेंस, जितनी भी टेक्निक्स आपने चैप्टर टू में पढ़ी सारी इसमें आ जाती है। तो बस जी ये था सारी चैप्टर टू की फिल्म, तो आप लोग यहाँ से कर लें, इसमें से तीन शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, तो जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं जो बोर्ड में ज़्यादा दफ़ा है, आम तौर पे इन्हीं में से रिपीट हो जाता होता है। तो गाइस अब ये है कि आज हम वीडियो यहाँ क्लोज करते हैं, लेकिन यार कंजूस ना बनया करो, थोड़ी मेहरबानी, थोड़े लाइक भी दे दिया करो, थोड़े शेयर भी कर दिया करो, थोड़े कमेंट भी दे दिया करो, कितनी बुरी बात है, आप फ़ायदा ले लेते हैं और आप लड़ाई हो जानी है आपके साथ, देखना फिर मैं एक दिन वीडियो अपलोड नहीं करता, आप लोग इतना कहते हैं मुझे, मेरा दिमाग खा लेते हैं, और शेयर और सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं हैं, गरीब लोग। चलें खैर कोई बात नहीं, बच्चों मजाक कर रहा था। एनीवे अल्लाह आपका हामी नासिर हो, और मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेस हैं, बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ गाइज़।